ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अध्याय की कथा, जिसमें हम सुनेंगे ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो ब्रह्म निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मलात्मा है, उसका सर्ग आदि का कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री पराशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत ज्ञान की विषय होती हैं, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्ग आदि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पिता में भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं, सो सुनो हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्थ कहलाता है। हे अनग, मैंने जो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, 15 नैमेष को काष्ठा कहते हैं। 3 काष्ठा की 1 कला तथा 3 कला का 1 मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का 1 दिन रात कहा जाता है, और उतने ही दिन रात को 2 पक्ष युक्त 1 मास होता है। 6 महीनों का 1 अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण में तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमश 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है, और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमश 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। हे मुनि, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युग का एक ब्रह्मा का 1 दिन होता है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत परिमाण सुनो। सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्पनानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं, और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे सत्तम, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का 1 मन्वंतर होता है, यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से 1 मन्वंतर में 852,000 वर्ष बताए जाते हैं। तथा हे महामुनि, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मन्वंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष हैं, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म ब्राह प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं, और महल लोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप काल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शय्या पर शयन करते हैं, और
उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इसी प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का एक वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु हैं। हे अनग, उस ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है। उसके अंत में पाद नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे परार्ध का यह 12 नामक पहला कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, बड़ा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना सुनो। श्री मैत्री जी बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायणाक्ष भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत हैं, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस 12 कल्प के आरंभ में वेदज्ञ में 12 शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय स्थित हैं, जन लोक स्थित सनक आदि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रदान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एकानव रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों का चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो पर तत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षु जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धिमान द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ।
इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अव्यव, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपति, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार हैं, आप ही ओंकार हैं और आप ही आहवनीय आदि अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं, तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त अमूर्त दृश्य अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं, अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महाबला ने अपनी डाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदस्य विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल के जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनक आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनके कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महाबारा जिस समय अपने वेद में शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जन लोक में रहने वाले सनक आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं, और जिसे परम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी डाड़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं, आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ हैं, मुख में स्वयं चित आदि चितिया हैं, होताशन यज्ञ अग्नि आपकी जिब्बा हैं तथा कोशाएं रोमावली हैं। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णव आदि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोम गुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, स्त्रोक आपका टुंड धूतनी है, साम स्वर धीर गंभीर शब्द हैं, प्रांगवश यजमान ग्रह शरीर हैं तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। हे देव, इष्ट श्रोत और पूर्त स्मार्त धर्म आपके कान हैं। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ति, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। अब प्रसन्न होइए, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके गाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोनते हुए गरजते गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितनी अंतर हैं वह आपके शरीर से ही व्याप्त हैं। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए।
हे जगतपति परमार्थ सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, यह आपकी ही महिमा माया है जिसके कारण यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग ब्रह्म से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेत्ता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वात्मन प्रसन्न होइए, हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रदान हैं, अतः हे ईश, जगत के उद्धव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह स्वर्ग की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल्यन आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा बराज जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित हैं और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उन अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल पर कर उस पर जहाँ तहाँ पर्वतों को विवाह करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने अमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्तद्वीप आदि क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलोक आदि चारों लोकों की पूर्वत कल्पना कर दी। फिर उन भगवान श्री अनि ने रजोगुण से युक्त हो चतुर्मुखधारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनके प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तियाँ ही हैं। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपनी ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महाप्राण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु महाप्राण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।